ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਪਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਂ जो मैं डिपो वाले ते गई हाँ तो उन्होंने बूआ खोल के तो मैं गाला कढ़निया शुरू करती हाँ तो मैं कहा अंकल गाला क्यों कढ़न दे कहिंदे असी बाल्मीकियां नूं कणक नहीं दिंदे मैं कहा क्यों बाल्मीकि बंदे नहीं काट तो उन्होंने बनिया तुहानूं कौन कहिंदा क्यों कहिंदा मैं नहीं किया और मैनूं फिर पैसा ही डिमांड करदी पागला वा एमएलए दा ही बंदा वा जिहड़ा जाति सूचक वर्ड बोलदा वा ते एमएलए दी शर दे उत्ते उहनूं बचाया जा रहा है कणक लैन गई औरत ने डिपू वाले ते इल्जाम लगाए कहा कि डिपू होल्डर ने मैनू गलत शब्द बोले ने। दरअसल मामला अमृतसर तो सामने आया जिथे थाना डी डिवीजन के बाहर वाल्मीकि समाज वालों प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इल्जाम ने कि जदों साडी भैन कणक लैन लई डिपू च जाती है तो डिपू होल्डर ने उसनू जाति सूचक शब्द बोले ने जिसनू लैके पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ताइयों सानू प्रदर्शन करना पै रहा है। मेरा नाम नितिन गिलिंग मनी मैं वाल्मीकि अंबेदकर संघर्ष कमेटी तो चेयरमैन हाँ तो नाल दी नाल अज जिहड़ा धरना लाने का रीज़न हैगा कि दलित समाज लई जिहड़े आ पंजाब दा वातावरण अनुकूल नहीं हैगा कि दलितां दा 90% दी रेशो जिहड़ी कि धरना ला के ही एस सी एस टी एक्ट का परचा करती आ। मैं तो अज अंदर आन के सवाल पूछा सी कि गल करिए कि पहले धरना ला लीए फिर ही आपे तो प्रैशर क्रिएट हो समाज में समझे कि समाज आया वा इन्हों बाहर खड़ा कर दो घंटा दो घंटे कर दो मतलब कि समाज के जोड़े वातावरण से जरा पेलो जोड़ा बाबा साहब ने खत्म किया कि मनुवादियों की स्थिति को खत्म करके कि संविधान दिता सी लेकिन इन्होंने की किया फिर मनुवादी स्थिति इतने लैन दी एमएलए का ही बंदा वा जो जाति सूचक वर्ड बोलता वा तो एमएलए की शर्त उत्ते बचाया जा रहा असा तो कहा कि एमएलए जनता का नुमाइंदा वा साढ़े समाज ने भी वड्डी वोटिंग पा के उन्हें जताया लेकिन उन्हें किया कि साढ़े समाज के लोगों जाति सूचक वर्ड कढ़ाने लग पे जे असी किसी का पिछोकड़ फोलना शुरू कर दिता तो इन्हों भी भारी गिनती के उत्ते जे 295 के परचे साढ़े तो भी दर्ज हो गए लेकिन सच कि झुके लुकया नहीं रहेगा लेकिन असं चाहते नहीं किसी की धार्मिक भावना उन्होंने ठेस पहुँचाइए जे तो परचा दर्ज करते ठीक आ जे नहीं करते तो इन्हों के थाने के बाहर असी खुल के लावे कि दलितों जोड़ा इंसाफ आ थाने तो उम्मीद नहीं हैगी मुद्दा असी कि साडे समाज की लेडी और नीला कार्ड कटिया गया और डॉक्टर अजय गुप्ता को गई आस के नाल कि झाड़ू वाली सरकार आ तो समाज का ही चोर निशान हैगा झाड़ू वो गई आते एम एल ए कहता जाके ना नवल जी ना मेरी गल करा दो तुहाडा कार्ड बन जाएगा जाके गल कराते पता नहीं एम एल ए फोन पर की कहता है फोन करन तो बाद वो इस जनानी नू जाति सूचक वर्ड बोलन लग पिया इनू धक्के मुक्की करती थाने च आन के उन्हें दरखास्त लिखाई थानेदार कहता कोई गल नहीं भोला जिहा परचा कर दिंदे आ तैनू इंसाफ दवा दिंदे आ फिर एक प्रधान आंदा कोई वह कहता तैनू पैसे दवा दिंदे आ यार असी विकण वाले लोग हाँ असा साडा परचा दर्ज करो जे पैसे चाहिए तो साढ़े को लै लो अस बैठे उन्होंने नुमाइंदे साढ़े को लै लो लेकिन परचा दर्ज करो जे परचे दे विच नकेली करोगे तुसी अपनी ड्यूटी दे विच नैगलीजेंसी करोगे तो साढ़े समाज के जिहड़े लीडर आ उगे लीडर वो विरोध करनगे यही कारण हैगा कि एम एल ए दे भी नारे मारे गए कि एम एल ए जिहड़ा इत्थों दा एक बेबी बो न्यू बोर्न बेबी एम एल ए बनाया उहनूं काम करना नहीं आउंदा तो उस समाज तो जिहड़ी है कोई कितो ना कितो बदबू महसूस करदा पिया उहनूं अग्गे भी तुसी कोई धरना लाया सी उदों वी एम एल ए दे खिलाफ सी एम एल ए की इस जाति दे बहुत ज़्यादा खिलाफ है एम एल ए बहुत ज़्यादा जाति का विटकरा रख के बैठा पता नहीं है एम एल ए कियोरिया रैलियाँ समाज ने भगताइया उन्होंने पता नहीं है और वोटिंग समाज ने भगताई उन्होंने भी नहीं पता कि और जिन्हें बूथ लगे ही वह समाज ने लवा के दिते तो कौंसलर बनने का लैवल नहीं सी तुहानू एम एल ए बना दिता साडी समाज तो जी उन्होंने जी घरीना की बू आती है ना उन्होंने कढ़नी पैनी है जे नहीं कढ़णगे तो नित दिन मुजहरे होणगे नित एम एल ए परचे होणगे जिन्नी देर तक मनुवाद की स्थिति इन्हों के मन चो नहीं निकलती उन्नी देर तक इन्हों के परचे भी करावे इन्होंने घरों भजावे भी कि देर तक जिन्नी देर तक एफ आई आर दर्ज नहीं होंगी परचा नहीं कटिया जाता उन्नी देर तक पैसे एजिटेशन अपना कंटिन्यू रखा जय भीम जय संविधान।
पीड़ित औरत ने दसिया कि नवल कपूर ने मेनू ते मेरे समाज नू बहुत गंदियां गालां कढ़ियां ने ते जाति सूचक शब्द भी बोले ने। उसने दसिया कि असी पुलिस प्रशासन नू इस बारे शिकायत दर्ज करवाई पर पुलिस ने कोई भी साड़ी सुनवाई नहीं की थी। मैं कनक लैन अजय गुप्ता जी ने मैनू भेजिया सी ते जदों मैं डिपो वाले ते गई हाँ ते उन्हां ने बूआ खोल के ते मैनू गालां कढ़नियां शुरू करतीयां ते मैं कहा अंकल गालां क्यों कढ़न दे, कहिंदे असीं बाल्मीकियां नू कनक नहीं दिंदे। मैं कहा क्यों, बाल्मीकि बंदे नहीं, काट ते उन्हां दे बने आ। उन्हें कि नाल लैंदे, कहिंदा कि तुहाडे मैं बाल्मीकियां दी बहुत, मतलब कि मैनू मेरे धर्म बारे गलत मलत बोलिया वा उन्हें। ते उस तो बाद कि नाल लैंदे, कहिंदा सारा शक्ति नगर इकट्ठा करके तुहाडे मैं बाल्मीकियां दी जे करांगा। फिर कि नाल उन्हें मैं कहा कि करो, मैं फिर परेशान हो कि उन्होंने कि नाल लैंदे गई जी उत्थे प्रधान को भी, वह कहिंदे सारे ने इदा ही करदा। फिर मैं परेशान हो के मैं ते मेरी कि नाल मदर इला थाने जाए, थाने च साडी हां जी नाम की ओदा की ओ की डिपो नवल कपूर नवल कपूर जी, उन्हें ते उन्दे बेटे ने बहुत जारियां गालां साडे मतलब कि समाज बारे मैनू कढ़ियां वा ते सारा कहिंदा शक्ति नगर इकट्ठा करके तुहाडे समाज नूं। प्रशासन को मैं इह मंग करदी हां कि किन्हां दे जल्द तो जल्द उहनां ते परचा कट्टिया जाए। मेरी कोई भी रात दी सुनवाई नहीं हो रही, राती भी मैं किन्हां लैंदे थाने च कलप के चल गई जे, हुण भी सवेर दी भुक्कण भाणे इत्थे आई रही हां ते मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरा बयान लै लिया ते मेरा परचा नहीं दर्ज कीता जा रहा। मेरा नाम हानी जे, जिहड़ा इह धरना लगाया गया किन्नी देर तक लगेगा इह धरना, जिन्नी तक उहनूं किन्हां दे करेगा परचा नहीं दर्ज होएगा ते उन्नी तक असी धरने तो नहीं हटना। इत्थे धरना लगा रहेगा सानू, भला इत्थे रात दिन क्यों ना रहना जाए। इत्थे कि नाले देनारी गुंडागर्दी चले, ए कि नाले देनारी बहुत जारी मतलब कि सपोर्ट दे करके सानू बोलिया, जिंदा मर्जी भनेवा होवे, जिंदी मर्जी उन्नू कि नाले सपोर्ट मिलदी होवे, असी इत्थे कि नाले दे बाल्मीक नहीं मतलब कि हटांगे। इत्थे असी बैठे रहना, उन्दे ते कि परचा दर्ज होएगा ते असी इत्थों हिलांगे नहीं ते असी इत्थे बैठे आ। इस मौके गलबात करदे पुलिस अधिकारी ने दस्या कि साडे कोल शिकायत आई सी, असी उस दी जांच कर रहे हां, जिहड़ा भी दोषी पाया गया उस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक कंप्लेंट एक हनीना दी लड़की ने दी है भी वह कल इत्थे डिपो होल्डर हैगा नवल नाँ का बंदा, उहदे कोल गई सी कणक लैण वास्ते, उहने कणक नहीं दित्ती मैनू ते मैनू जाति सूचक उन्हें गल्लां कहियां ने, वह वेरीफाई कर रहे हैं जी, वेरीफाई करके उहदी कार्रवाई। फिलहाल वाल्मीकि समाज वालों पुलिस प्रशासन नूं डिपू होल्डर खिलाफ बनती कार्रवाई करन दी मंग कीती जा रही है। उन्हां दा कहना कि जेकर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तां साडे वल्लों संघर्ष तीखा कीता जाएगा। हकीकत टीवी पंजाबी लई हरजीत गरेवाल दी रिपोर्ट।